सुरेश गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी मीटर। आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि नगर पंचायत चुनाव में कितने जो आपकी तहसील मीरगंज में समाजवादी पार्टी ने किसे किसे टिकट दिया? हमारी विधानसभा मीरगंज में 4 नगर पंचायत आती है, बरेली में 9-7 नगर पंचायत हैं। सबसे ज्यादा नगर पंचायत है विधानसभा मीरगंज में, जिसमें हमारे शीशगढ़ है नंबर 1। उसमें हमारे नील रोफर को लिए टिकट दिया गया, जो हमारे हाजी गुड्डू की पत्नी है, जो पुराने चेयरमैन है। और हमारे हिना खानम के लिए मीटिंग में दिया गया है, नेहा अंसारी के लिए फतेह पक्षी में दिया गया है। आपके शीशगढ़ में साई वहाँ साई में अथर हुसैन के लिए टिकट दिया गया है। चारों टिकट हमारे समाजवादी पार्टी ने खड़े किए हैं और चारों समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी हैं। और आने वाले समय में चारों को लिए जनता भारी मतों में जिताने का काम कर रही है। 11 तारीख के लिए वोट पड़ेंगे, 13 तारीख के परिणाम आएगा। आप देख लेना कि हमारे प्रत्याशी आज की तारीख में चारों नगर पंचायत में आधे से ज्यादा वोट ले रहे, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि भाजपा अब कोई काम करने वाली नहीं है। क्योंकि 6 साल से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी काम करने का काम नहीं किया है। खाली काम किया है तो जो जानवर घूम रहे हैं इस वक्त, चाहे वो शहर में हो चाहे देहात के अंदर हो, आज देहात का आदमी परेशान है और जो देहात का आदमी परेशान है तो हमारे शहर का भी आदमी परेशान है। हमारे जनता ये चाह रही है कि समाजवादी पार्टी के चरण बने, हमारे विकास हो, हमारी नाली बने, हमारे सड़कें बने, लाइट का इंतजाम सही हो, सफाई अच्छी हो। इसको लेकर समाजवादी पार्टी को समर्थन, अपार समर्थन मिल रहा है नगर पंचायत में। हम जानकारी लेना चाहेंगे फतेहगंज पश्चिमी में जो आपने टिकट दिया है, जिन्हें टिकट दिया वो कितनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, वहाँ और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो वहाँ की जो जनता है फतेहगंज की, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैं फतेहगंज जनता को ये मैसेज दूंगा कि आप अपने हम पिछले बार बहुत कम वोटों में हारे थे किसी कारण बस, लेकिन अब जो प्रत्याशी टिकट दिया गया है वो बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी है, उसके कोई दाग नहीं है उसके दामन पर। वो जनता की सेवा कर रहा है बहुत दिन से, 3 बार का मेंबर है वो सभासद क्षेत्र से फतेहगंज से। और जो प्रत्याशी उनके मुकाबले खड़े हुए हैं, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टी के वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो पार्टी से जुड़े हुए थे, मुसलमान लोग, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी छवि जनता को मालूम है। वो आज अभी कुछ दिन पहले ही गाय जेल गए हुए थे, एक तो जेल में है, पहले उनकी पत्नी लड़ रही है वो जेल में है, और देख रह गया वो अभी कुछ देर पहले जेल काट के आए दोनों। तो जनता मैं अनुरोध करूंगा कि सही आदमी चुनो जिसे 5 साल आपके साथ खड़ा हो वो, और आपने किसी गलत आदमी चुन लिया तो वो खुद जेल चला जाएगा, तो आपके लिए कब आप बचाने का काम करेगा। इसलिए मैं जनता फतेहगंज जनता अनुरोध करूंगा कि सही आदमी चुनने का काम करें, और जो आदमी आपके साथ खड़ा हो सके, जो थाने पुलिस में जा सके, ये लोग थाने पुलिस भी जा पाएंगे जीत गए तो, और जीतने के बाद 2 महीने बाद जेल चले जाएंगे। जिसने आपने टिकट दिया है क्या नाम है उनका एक बार? उनका नाम है नेहा, नेहा जी। तो उनकी छवि कैसी है? बहुत छवि पढ़ी लिखी महिला है और कार चोरी का काम करती है वो, उनका उनके पति इरशाद अहमद अंसारी है, वो भी कार चोरी का काम करते हैं, उनका कारोबार है और जनता के बीच लग रहे थे। 3 बार सभासद है वो उस वक्त, और उनके पिताजी दो ही सांसद रहे, वो जनता में हमेशा जुड़े रहे और जनता की सेवा करने का काम करते हैं।